नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। कुछ लोगों की क्या समस्या है कि जब भी वो अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए कुंडली मिलान करवाते हैं तो कुंडलियों का मिलान नहीं हो पा रहा है। लगातार विवाह की उम्र निकलती जा रही है। अभी विगत कुछ दिनों में ऐसे चिंतित माता पिताओं के मेरे पास फोन कॉल्स थे। उनका कहना था कि सर, पहले बात तो कहीं रिश्ता ही समझ में नहीं आता, और जब भी कभी कोई बहुत अच्छा रिश्ता समझ में आता है और हम कुंडलियों का मिलान करवाते हैं तो कुंडलियां नहीं मिलती है। क्या बिना कुंडली मिलान के शादी नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे बेटा या बेटी की जो उम्र है 30, 32, 35, 40 के करीब पहुंच गई है, लेकिन ये कुंडली मिलान के चक्कर में लगातार मैरिज होने में डिले हो रहा है। क्या हम बिना कुंडली मिलान के शादी कर सकते हैं? प्रिय दर्शकों, इस पर आज मैं शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी देने वाला हूं आज के इस वीडियो में, क्योंकि कुछ कमियां कुछ गलतियां आपकी होती है यहां पर। देखिए, जब भी आप अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए कुंडली मिलान कर रहे होते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी लड़के लड़कियों की उम्र 32, 35, 38, 40 के करीब पहुंच गई है, 30, 32 से ऊपर है, तो उनको कुंडली मिलान के समय ज्यादा डिटेल में कैलकुलेशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 28, 30 वर्ष की आयु के बाद में अपने आप ही बहुत से ऐसे दोष होते हैं जिनका अपने आप ही समन होने लग जाता है। यदि कुंडली मिलान की वजह से उम्र 32 से 33, 34, 35, 40 के करीब पहुंच गई है, मैं व्यक्तिगत आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप व्यवहारिक गतिविधियां अच्छे से कैलकुलेट करके और मैरिज के लिए आगे निर्णय ले सकते हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ठीक से समझिए, जब भी कुंडलियों का मिलान किया जाएगा, आपके बेटा या बेटी की शादी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं और कुंडली का मिलान करते हैं, तो देखिए कुंडली मिलान में ज्यादातर जो आपको मना किया जाता है वो किस वजह से किया जाता है, मेरी बात को ठीक से समझिए। जैसे बहुत से लोगों में ये भ्रम है कि मांगलिक कुंडली है तो मांगलिक के साथ ही शादी करना है, तो ये बिल्कुल झूठ है। जरूरी नहीं है मांगलिक के साथ ही शादी करना है। बहुत से ऐसे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, जहां पर मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है और नॉन मांगलिक जो कुंडली मांगलिक नहीं है वो मांगलिक के साथ भी मैरिज करे तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। या मना किया जाता है गण दोष हो गया, भकुट दोष हो गया, नाड़ी दोष हो गया। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत अच्छा रिश्ता आता है शादी के लिए, आपके बेटा या बेटी की शादी के लिए, लेकिन कभी कभी ज्ञान की कमी के कारण भी आप उस बहुत अच्छे रिश्ते को ठुकरा देते हैं। क्योंकि जैसे गण दोष है, भकुट दोष है, इनके कैंसिलेशन के पॉइंट बहुत ज्यादा है। अब ये साधारणतः जो ज्योतिषी होते हैं ना, उनको इतने सारे कैंसिलेशन के पॉइंट क्या होता है, स्मृति में याद ही नहीं रहते हैं। जैसे राशि मैत्री होते ही गण दोष भकुट दोष कैंसिल हो गया, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष के लिए भी प्रॉपर ऐसे 9 नक्षत्र बना दिए गए हैं, और इसके कैंसिलेशन के इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे नियम हैं कि भकुट दोष भी बने, गण दोष भी बने, नाड़ी दोष भी बने, मांगलिक दोष भी बने, कैसा भी कोई बड़ी से बड़ी दोष के कारण यदि आपको बोला जाता है, डरा दिया जाता है कि आप शादी के लिए आगे नहीं बढ़ना, एक की मृत्यु हो जाएगी, एक बीमार हो जाएगा, संतान नहीं होगी, मैं आपको बता दूं 100 में से 1% कुंडली ऐसी निकलेगी कि जहां पर किसी भी तरीके से कोई कैंसिलेशन का पॉइंट लागू नहीं हो रहा होगा। नहीं तो मैं 101% दावे के साथ आपको कहता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बार बार कुंडली मिला रहे हैं और कहीं पर भी कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं क्या है, बहुत से लोग ऐसे सीधे तौर पे देखते हैं कि हाँ जी ये कुंडली मांगलिक बन गई, इसमें मांगलिक दोष आ गया, और दूसरी कुंडली में सिर्फ इतना देखेंगे कि ये मांगलिक नहीं है, सीधा ही मना कर देंगे कि ये मांगलिक है, ये मांगलिक नहीं है, आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएंगे। कितना बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके इतने सैकड़ों रूल्स हैं जहां पर मांगलिक नॉन मांगलिक से मैरिज करेगा, नॉन मांगलिक मांगलिक से मैरिज कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, देखो सबसे पहली बात है, आप किसी अच्छे देवज्ञ से जिसका लगातार कुंडलियों के साथ एक्सपीरियंस है, जो लगातार कुंडलियां कैलकुलेट करता है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कुंडली की मैचमेकिंग कराइए। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं जहां पर बड़े से बड़े दोष भी कैंसिल हो रहे होते हैं, उनकी कोई ना कोई काट निकल रही होती है। 100 में से 1% कुंडलियां ऐसी होगी जहां पर कोई काट नहीं बन रही होती है, तो वहां पर आगे बढ़ने से मना किया जाता है।
तो देखिए, बहुत बार मैंने ज्यादातर मेरे अनुभव में देखा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे डरे हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे चिंतित होकर के उनके मेरे पास मैसेज कॉल्स आती रहती हैं। वो बताते हैं कि सर ऐसे बताया था किसी ने कि यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो ऐसे अनर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा, आप शास्त्र सम्मत किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई ऑथेंटिक बुक्स वगैरह, उसमें जो क्लोज लिखे हुए हैं, जो ज्योतिष के प्रमाणिक ग्रंथों में जिन बातों का जिक्र है, उसको लेकर के यदि प्रॉपर आपका कैंसिल होता है कोई भी दोस्त, तो आपको निसंकोच रूप से आगे बढ़ जाना चाहिए। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत से लोगों की सगाई होकर छूट जाती है, टूट जाती है, या शादी होकर के टूट गई, ऐसे लोगों के लिए फिर से कुंडली मिलान का बहुत ज्यादा औचित्य नहीं रह जाता। वैसे भी शास्त्रों में लिखा गया है कि अष्ट वर्षा भवेद गोरी, नव वर्षा च रोहिणी, दस वर्षा भवेद कन्या, शेषा संख्या रजस वाला। आप कहीं पर भी एस्ट्रोलॉजी के ग्रंथों में देखेंगे ना, तो आपको ये लिखे हुए मिलेंगे कि कन्या की कुंडली में यहां पर ये हो तो ऐसा होता है, वैसा होता है। तो देखिए, कन्या की जो श्रेणी है ना शास्त्रों में, 10 वर्ष की आयु तक ही रखी गई है। 10-11 वर्ष की आयु के बाद में उसको रजस्वला की श्रेणी में रखा जाता है। तो वहां पर बहुत सारे दोषों का अपने आप ही समन हो जाता है। तो ज्यादा इतना डरने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कलयुग में यदि हम इसे 3 गुना भी बढ़ा दें 10 वर्ष की आयु को, तो 28-30 वर्ष की आयु के बाद अपने आप बहुत से दोषों का समन हो जाता है। मैं एक बात खास करके कहना चाहूंगा, चाहे कुंडलियां मिल रही हो, नहीं मिल रही हो, कुंडली मिलान होने के बाद भी व्यवहारिक गतिविधियों में अच्छे से कैलकुलेट कर लेना चाहिए, और बच्चे बच्चे को बात करने का 3-4 महीने का अवसर जरूर दे देना चाहिए। यह सबसे बड़ा मैच मेकिंग है। यदि किसी भी तरीके से ग्रह नक्षत्र एनर्जी क्रैश करेंगे, तो वहां पर 2-3 महीने के अंदर ही विवादित स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि बहुत अच्छी एनर्जी दोनों की मैच कर रही हो, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रिय दर्शकों, आप इतना ज्यादा इस बात को लेकर के चिंतित बिल्कुल भी मत होइए कि कुंडलियां ही नहीं मिल रही है बार बार, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है आपकी जो कुंडलियां मिला रहा हो वो सही से कैलकुलेशन नहीं कर रहा हो। मैरिज से रिलेटेड आपको बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करनी है, शादी कब होगी, शादी किससे होगी, और जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए कौन सा चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो आप अभी जाकर के ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मेरे को यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, देखते रहे आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।